हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ तो ये कि हम प्लेस वैल्यू चार्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो मैं ये भी बताऊँगा क्यों करते हैं। दूसरी चीज़, अगर प्लेस वैल्यू चार्ट को पढ़ रहे हैं या फिर समझ रहे हैं तो सिर्फ आप डिजिट के बारे में ध्यान दीजिएगा। ये सभी डिजिट हैं, ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं इनको हम डिजिट बोलते हैं। तो कितने डिजिट है? 9 डिजिट है? नहीं, 9 डिजिट नहीं है। तो आप गिनेंगे, ये जीरो को भी गिनना है। जीरो से आप स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 डिजिट है, आप इसको याद रखिएगा। अब प्लेस वैल्यू चार्ट पर आ जाइए। अब सवाल उठता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, है ना? बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखिए, ये हमारे पास डिजिट है, ओके। जो ये डिजिट देख रहे हैं, जब हम इनको मिला के कुछ नंबर बनाते हैं तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पे एक डिजिट है 1 और ये डिजिट है 2। अब एग्जांपल के लिए 2 डिजिट लिए, पहला डिजिट है 1, दूसरा डिजिट है 2। जब हम इन डिजिट को मिलाते हैं तो एक नंबर बनता है। जैसे हम 1 और 2 को मिलाए तो 1 2 बना और 2 1 बना, ओके। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अब 3 डिजिट लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 ले लेते हैं और दूसरा डिजिट 6 ले लिया हमने और तीसरा डिजिट हो गया मान लेते हैं 3। ये 3 डिजिट है। अब हम 3 डिजिट का इस्तेमाल करके नंबर बनाते हैं, जैसे फोर सिक्स थ्री, ये भी एक नंबर बन गया। 6 4 3, ये भी एक नंबर बन गया। और क्या बना सकते हैं हम? 3 4 6, ये भी एक नंबर बन गया। और क्या बना सकते हैं? 6 3 4, ये भी एक नंबर बन गया। मतलब डिजिट का मिला के हम नंबर बनाते हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? इसी नंबर को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। ये डिजिट मिलके नंबर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर बनाया, ये एक नंबर बनाया, ये एक नंबर बनाया, ये एक नंबर बनाया, मतलब सब अलग अलग नंबर है लेकिन ये यूनिक नंबर है। ये भी यूनिक नंबर है, ये भी एक यूनिक नंबर है, ये भी एक यूनिक नंबर है ना? सब यूनिक नंबर है, ओके। मतलब ये सभी नंबर को हम क्या लिखेंगे और क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। प्लेस वैल्यू चार्ट 2 तरीके का होता है। पहला होता है इंडियन सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इंडियन सिस्टम और इंडियन स्टैंडर्ड दोनों एक ही चीज है, ओके। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आप देख रहे हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, इसमें सिर्फ एक कॉमा का अंतर रहता है। तो मैं कोई 5 या 6 डिजिट वाला कोई नंबर ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नंबर लिया है। ये नंबर डिजिट से मिलकर बना है, ओके। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कितना डिजिट है तो आप यहाँ पे गिनेंगे, यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितना डिजिट हो गया? 8। और इसमें भी कितना डिजिट है? इसमें भी 8 डिजिट है, क्योंकि दोनों सेम है। अगर कोई आपसे पूछा कि किसी नंबर में कितना डिजिट है तो आप सबसे पहले गिनिएगा। जैसे यहाँ पे, तो हम यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितना डिजिट है? 8 डिजिट है। अगर मैं इंडियन सिस्टम की बात करूं तो देखिए, कॉमा, यहाँ पे कॉमा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा कॉमा पे रहेगा। कॉमा मतलब ऐसा, आप जो सिंबल देखते हैं इसको हम कॉमा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये नंबर में कॉमा लगाना सीखते हैं। अगर इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने की बात करूं तो सबसे पहला कॉमा होता है 3 डिजिट के बाद। और हाँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम कॉमा लगाते हैं
वो इस साइड से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ओके, यहां से। मैं यहां पे लिख देता हूं, तो मैं यहां पे लिखा हुआ हूं पुट कोमा फ्रॉम राइट, मतलब आप कोमा लगाइएगा राइट से, मतलब इस साइड राइट होता है तो इस साइड से आप कोमा लगाइएगा। तो हम इंडियन सिस्टम में देखते हैं कि हम कोमा कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहला कोमा होता है तीन डिजिट के बाद, आप यहां से शुरुआत करिएगा, पहला कोमा तीन डिजिट के बाद, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन के बाद आप कोमा लगाएंगे। तीन मतलब ये तीन नहीं, गिनिएगा यहां से, नंबरिंग करिएगा। तो यहां से नंबरिंग करिएगा 1, 2, 3, थ्री के बाद आप कोमा लगाइएगा। यहां पे कोमा लगा दिया आपने, अब फिर अगला, अब दो डिजिट तक नंबरिंग करिए, 1, 2, फिर कोमा लगाइए, फिर नंबरिंग करिए, 1, 2, फिर कोमा लगाइए। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, पहला कोमा हमने तीन डिजिट के बाद लगाया, फिर दो डिजिट, फिर दो डिजिट। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम कोमा राइट साइड से लगाएंगे। तो यहां से आप तीन डिजिट तक नंबरिंग करिए, 1, 2, 3, थ्री यहां पे आया तो यहां पे कोमा लगाइए, तो थ्री के बाद यहां पे कोमा लगाइएगा, फिर तीन डिजिट तक नंबरिंग करिए, 1, 2, 3, फिर कोमा लगाइए। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे तीन डिजिट के बाद कोमा लगा है, फिर यहां पे तीन डिजिट के बाद कोमा लगा है। तो आप देख सकते हैं यहां पे दोनों में अंतर। और एक बार सुनिए, इंडियन सिस्टम में पहला कोमा तीन डिजिट के बाद, दूसरा कोमा दो डिजिट के बाद, फिर दूसरा कोमा दो डिजिट के बाद। अगर ऐसा कोमा लग रहा है तो हम उसको इंडियन सिस्टम बोलेंगे। अगर पहला कोमा तीन डिजिट, दूसरा कोमा भी तीन डिजिट, तीसरा कोमा भी तीन डिजिट के बाद हो तो हम उसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलेंगे। तो अभी मैं आपको कोमा लगाना बताया, अब मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट लिख दिया हूँ। इंडियन सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो कुछ इस तरीके का है, और इंटरनेशनल सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो कुछ इस तरीके का है, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इंडियन सिस्टम को देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे वंस लिखा है, उसके बाद टेंस लिखा है, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और इसके बाद और आगे आता है, मतलब आते जाता है। इसके बाद अरब आता है, उसके बाद 10 अरब आता है, फिर उसके बाद खरब आता है, फिर उसके बाद 10 खरब, ओके, ऐसे ही मतलब आते जाता है, और भी आता है। तो सबसे पहले इसको देखिए, हम इसको बोलेंगे ये पहला प्लेस में, ओके, और पहले प्लेस में क्या है, पहले प्लेस में वंस है, दूसरे प्लेस में ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंस प्लेस। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, एक लिखा है इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे वन है, सेकंड प्लेस पे टेंस है, थर्ड प्लेस पे हंड्रेड्स है, फोर्थ प्लेस पे थाउजेंड है, फिफ्थ प्लेस में 10,000 है, सिक्स प्लेस पे लैक है, सेवन्थ प्लेस पे 10 लैक्स है, सेवन्थ प्लेस पे 10 लैक्स है, एट प्लेस पे करोड़ है, नाइन्थ प्लेस पे 10 करोड़ है, और फिर दसवें प्लेस पे अरब आता है,
फिर 11वें प्लेस पे 10 अरब, ओके ऐसा आते जाएगा। तो ये इंडियन सिस्टम है। बस मैं आपको इतना बोलूँगा, ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। ओके, इसी चार्ट से हम किसी भी नंबर को हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम 6 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं। सबसे पहले हम इंडियन स्टैंडर्ड से देखेंगे, तो सबसे पहले हम कॉमा लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमा कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इंडियन सिस्टम। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। तो पहले हम गिनते हैं 3 डिजिट तक, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 आ गया। तो इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा दिए, और उसके बाद 2 डिजिट, 1, 2, यहाँ पे कॉमा लगा दिए। तो यहाँ पे मैं आपको कौन से प्लेस में क्या कौन सा डिजिट है मैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वंस प्लेस, जो प्लेस वैल्यू चार्ट का जो प्लेस वैल्यू था मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हम सब शुरुआत में यहाँ से करेंगे। सबसे पहले वंस, वंस में हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, टेंस में 5, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए लिखेंगे। 5 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 7, 7 के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे।